पार्टमेंट में अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर की मैं उस मार्केट में मौजूद हूँ जिसे ना सिर्फ पंजाब पाकिस्तान बल्कि ये समझा जाता है कि जी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एक ज़माने में कहा जाता था, आज भी ये बात है कि नहीं वो मुझे अभी मालूम हो जाएगा, लेकिन अगर पूरे लाहौर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी जगह से होती है तो ये वो मार्केट है। अभी एक मार्केट नहीं है, फिलहाल मैं रंगमहल चौक में बैठा हूँ, मेरे एक तो सुहा बाज़ार भी है, आज़म मार्केट भी है, इधर शालम बाज़ार भी है, बेशुमार मार्केट्स हैं, बेशुमार बाज़ार हैं, इस वक्त जितने मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं ये सब पौधेदारान भी हैं, इनमें कुछ दुकानदार भी हैं, ताजिर बरादरी भी है, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मसले कुछ यहाँ पर बड़े अरसे से चल रहे थे, उम्मीदें इन्हें हैं मियाँ हमदा शबाशिफ साहब से कि वो इस हल्के से हैं, अंदरून शहर से हैं, उनके बावजूद भी अंदरून शहर से रहे हैं, तो इनकी ये कोशिश भी है, इनकी उम्मीद भी है कि शायद वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर जाएं। कुछ इस तरह के सवाल आते, इस तरह की बातचीत भी होगी, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ मसला ये पेश आया था, ये ट्रांसफार्मर जो ऊपर लगे हुए हैं, उस्मान ऊपर दिखाना, ये जितने ट्रांसफार्मर्स ऊपर लगे हुए हैं अभी तो ये नए लग चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले इस पर आग लगी, किस वजह से लगी वो पता चल जाएगा। उस वजह से लोगों की दुकानों के नुकसान भी हुए, जो अंदर सामान था वो भी जला, 12 अगस्त ऐसे की मैं बात करूँ, मुझे 2-3 ऊपर नीचे दिखाई दे रहे थे, वो जल गए हैं, मेल्ट हो चुके हैं। लेस्को ताउन कर रही है कि नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम, ये बताएंगे। हुकूमत ताउन कर रही है नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम। गाड़ियाँ खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, कितना नुकसान हुआ है मैं नहीं जानता, ये सब बताएंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई अपनी बात करेगा, इसके साथ मौईशत पर बात होगी कि वो मार्केट, वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है, आम दिनों की निस्बत भी, शादी ब्याह के जब हो, जैसा कि अभी कुछ अरसे बाद शुरू हो जाएगा, 1-2 महीने बाद काम शुरू हो चुका है, खरीदारियाँ शुरू हो चुकी हैं, उस पर कितना नुकसान हो रहा है, या किस क्या महंगाई की हद क्या है, शरह क्या है, खरीदारी क्या है, क्योंकि जब पूरे खरीद खत्म हो जाए तो दुकानदारों का नई आइटम बनाने का भी कोई फायदा नहीं होता। उसके अलावा इस एरिया में डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है, पार्किंग की बात की जाए तो आज मेरे ख्याल से पार्किंग पे भी कंट्रोल नहीं हो सका, पार्किंग की बड़ी बड़ी जंगें यहाँ पर होती हैं, ये बात भी बड़ी वाजह है, बड़ी सामने है। ये तमाम बातें होंगी, अहदेदारान मौजूद हैं, जुल्फिकार साहब मौजूद हैं, सदर भी है, चेयरमैन भी है, बाकी तमाम लोग अपने तारुफ करवाएंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जनाब से, वैन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही बात कर रहा था कि देखें टाइम निकाल के आप भी बैठे हैं, हम भी मौजूद हैं, इसलिए कि कारोबार भी डिस्टर्ब है, सुनने में यही सुन रहे हैं ना, महंगाई होगी, बिल ज्यादा हो गए, नहीं पूरे हो रहे, दुकानदार भी परेशान है, बिल आए हैं, वर्कर बैठे ने, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सर आगाज करो, इतना ही आगाज करो कि कहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। जनाबी अली, आपके इस चैनल की बसात से हम आपसे गुफ्तगु करते हैं। सर शुरू करें, आगाज करते हैं इसका। हमारे यहाँ पे जो इंसिडेंस हुआ है आज से 8 दिन पहले, हाँ जी, उसी हवाले से हम सब इकट्ठे हुए हैं। आग लगी थी, तो जो आग लगी, अच्छा, तो उसके हवाले से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इधर जो मसले मसाइल हैं उनमें से सर फरिश्त जो मसला है ना वो तो ट्रैफिक का है, उसके बाद जो है ना मसला वो जो है पहले आग वाला मसला डिस्कस कर लेते हैं, वो इसके बाद ये आ जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे कोई इंतजाम जो है ना प्रॉपर नहीं है, बुलाया जाता है आते नहीं है, अगर वो आते हैं तो फिर वो प्रॉपर नहीं आते। कैसे इंतजाम नहीं है? इंतजाम इस तरह के नहीं है कि जब वो एक महकमा हमसे पूरी टैक्सेस ले रहा है, पूरे काम करवा रहा है हमसे, और पूरी तरह से हम उनसे तावन कर रहे हैं, जब वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं, जब हम उनके पास बिल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ये काम बिल नहीं होना, अभी जमा करवाओ, हम जमा करवाते हैं, अब हम उनको बुलाते हैं वो नहीं आते। तो ये बहुत देर का मसला है, तकरीबन 10 साल से ये मसला जो है ना। मसला क्या था वो? मसला ये था कि रोजाना जो है ना ब्लास्ट होता था, हम रोजाना उनको बुलाते थे, वो आते थे, उसको रिपेयर करते थे, या एल्फी लगा दी या कोई लकड़ी लगा दी वहाँ पे, अच्छा जुगाड़ कर दिया, पेज लगा दी, जुगाड़ लगाया और चले गए, ठीक है। फिर बार बार उनको बुलाया गया, बार बार आए, इवन के जो लास्ट टाइम जो ब्लास्ट हुआ है ना, उससे पहले एक दिन पहले उनको तनबीह किया गया है कि यहाँ पे बड़ा खतरा है कि कोई बड़ी ब्लास्ट ना हो जाए, मगर फिर भी उन्होंने ना इस बात के मुतल्लिक अपना कोई जो शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा था, क्या वजह लग रही थी आपको? जी लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है ना वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, जो भी हम कहते हैं वो ट्रांसफार्मर 400 केवी की होनी चाहिए, ये हमने तकरीबन 5-6 साल पहले भी इसको पुट आउट किया गया था, ठीक है, मगर उसके मतलब कोई भी इनकी जो है ना वो हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं अच्छी जी, ठीक है। तो हमने यही बात हमको बार बार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मसाइल जो है ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये वन वे है इधर से। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ ये बताएं? इससे नुकसान ये हुआ है जी, तकरीबन 10 से 12 मोटरसाइकिलें जल गई हैं, जो वर्कर थे बेचारे, जो मोटरसाइकिलें ग्राहकों की भी थी, जी ग्राहकों की भी थी, जो ग्राहकों की थी वो ले गए बेचारे,
जो वर्कर की थी वो इधर उधर फेंकी हुई है या रखी हुई है, उनके पास कागजात मौजूद है। ठीक है, तो हमारा ये भी मुतालबा है कि उन बेचारे गरीबों का जो है ना जो भी मामला हुआ है ना उनके साथ पूर तामन किया जाए। आपने बताया किसी जो अभी हम लोग अखबार जो बात करते हैं वो हमने जो अपील की है किसी हवाले से भी की है, हमारे चेयरमैन साहब हैं जनाब, जनाब को माइक दो एक मिनट। अच्छा, वो आपको ये कहते हैं कि वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ओरी साहब, इन्होंने भी सिर्फ मैं उनसे तफसील से उनसे बात करूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मामला हो रहा है ना उसके पीछे चल रहे हैं, मगर उसके लिए हमें कुछ जो ने हमें कोई खातर खा नजाइज निकल रहे। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज दी है उन्होंने वेरी गुड सर्विस दी है, बड़ी अच्छी दी है। अच्छा, फोन लगा दिया, ट्रांसफार्म लगा दिया। अभी इसको हम ये नहीं कह सकते ये पूरी प्रोटेक्शन है, ये मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं दी गई हमें। अभी इसको बाद में भी जो है ना इसको पीछे भी पीछा भी करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या मामला आते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए हम ये आपसे अपील करेंगे, आपके ये सर अपील इनसे करनी है, हम तो सिर्फ आवाज है आपकी, हमने कुछ नहीं करना। अपील करनी है, अपील आपने अफजा साहब से करनी है, अपील आपने सीएम साहब से करनी है। हाँ जी, हम आपके विश्वास से कर रहे हैं ना। हाँ जी, उनको ये हम कहते हैं जी जितने भी जिस तरह का नुकसान हुआ है जो हमें अंदेशा है आगे से, हाँ जी, इनको यहाँ से रिमूव किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी जो जायदादें हैं जो हमारी जो है प्रोटेक्शन हमें दी जाए, ये जगह ही नहीं है यहाँ पे लगाने की, ये जगह नहीं है यहाँ पे, खुली जगह पे इसको जो है ना रिमूव किया जाए, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले जो हमारी बहनें बेटियां माएं आती हैं गुजरती हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले, जो यहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए उनको प्रोटेक्शन मिले। बिल्कुल, यहाँ पे किसी को ये सहूलत ही नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी ब्लास्ट हो सकता है, ये कुदरती अमर भी हो सकता है। यहाँ से आप ये देखें यहाँ पे जितनी हमारी मजहबी रसूमात होती हैं उसके जरूर निकलते सब की सब होती है, यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, इसके नीचे से गुजर के जाते हैं। हमने पहले बारहा ये बातें इनको कही हैं कि आप इस तरह करें कि इनको यहाँ से रिमूव करें ताकि कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए या कोई दहशतगर्दी का खतरा है वो भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात पर कोई तवज्जो दी नहीं गई। अलग रहे, आपकी बात वहां तक पहुंचे, मैं चाहूंगा बाकियों से भी बात हो जाए, बाकी भी अपनी अपनी बात करें। जनाब गुजरा दें, करें, मैं बाकी बातें सवाल करूंगा मैं बाद में। जी भाई जनाब, क्या कहेंगे? देखें जी, ये अभी भी ये जो तारे लगी हुई हैं, माइक पास करें भाई, अर्थ की तारे जो लगी हुई हैं ये रात को जल रही होती हैं, रेड होती हैं। अच्छा, उनको हमने मैंने कल रात को बोला जी ये तारे चेंज करें, वो कह रहे हैं जी अभी तारे चेंज हो जाएंगी। मैं कहा जब तक उस वक्त तक चेंज करेंगे जब दो तीन लोगों को, हाँ जी तशरीफ रखें, किसी को करंट लग गया वो बचेगा नहीं। नहीं, ये अर्थ की जो तारे हैं रात को किसी को नहीं पता। मैं दो तीन दिन हो गए लेट जा रहा हूँ। रात को एक बंदा आया था नेट का महकमे का, उसको मैंने दिखाया था, कह रहे जी जिसने इसको हाथ लगाया वो तो मर जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाती है। हमें चार पांच कमरे इकट्ठे हैं जी, और मैं हम तो ये चाहेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है जिनके हैं उनको उनकी जगह पे लगाए जाए। बिल्कुल ठीक है, सारी ट्रांसफार्मर जहाँ। कितना नुकसान, आपकी भी दुकान थी? ये मेरी दुकान है फर्स्ट वाली। कितना नुकसान हुआ है? मेरी चार बाइके जली है, एसी जल गया है, कुछ थोड़ा सा पांच फूट जल गए। नुकसान तो है ना, चाहे एक फूट जल गया नुकसान तो है ना। हाँ जी, हाँ जी, आपके अपने पैसों का, जाती पैसों का? जी जी बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल ऐसा तो करना उनको चाहिए। जी 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 जी, आप लेस्को के दफ्तर गए थे किसी के? नहीं, मैं नहीं गया, मेरे बड़े बैठे हुए यही जाते हैं, हम तो इनके मुताहिद है, हमारे इज्जत वाली जगह है, जो अगर इन्होंने कोशिश करके ये सारे मामला किए, वरना हम तो अपना मदद अपनी मदद आपके तहत देना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसे कहना जनाब को, आप लोग आ जाएं, पहले दिन क्यों नहीं आए कोई मीडिया? सर मैंने पता लगता मैं आई ना, मेहनत तो मैं आ गया ना, मैं आ गया ना सर, बंदा नहीं है यहाँ पे, कितनी बेशर्मी हुई, बेहिस लोग हैं यार। देखे जब इन लोगों ने वोट लेने हैं ना नुमाइंदों ने, उन्होंने आपके दरवाजे पे आना है। कल भी यहाँ पे चिंगारी निकली है, काफी नुकसान है, इनको कोई पता नहीं, इनको बुलाया जा रहा है, करें हमें। और कारोबार की क्या हालात चल रहे हैं? जीरो, वो जो सही कह रहा है वो जीरो है, गाह नहीं आता है, गाह उसी तरह चल रहा है। हालांकि सीजन लगा हुआ है, सीजन शुरू हो गया ना, गाह क्यों नहीं आता बताएं, बातें सच है, रश सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम ठीक नहीं है ना, ऐसे ही है ना, तो करना तो इन लोगों ने है ना, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, हाँ जी, हुकूमत वैसे कह रही है हम मईशत भी कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, अवाम को जरिए कर रहे हैं, ये लोग
सुबह से कोई खरीदारी कोई का कुछ नहीं अल्लाह रहम भाई का कट्टा चले साल में तो कौन देगा मैंने वो चीजें लेके दी थी भाई वो कहां से दूंगा ये हुकुम दे बिल भी आने बिल तो देने देने हैं वर्कर्स के पैसे भी देने हैं आप लोगों ने बिल तो एक मिनट का भरोसा नहीं करते बिल तो कोई तो बिल हो जी जब खाओ ना खाओ मर जाओ बिल देके ना देंगे तो भाई कट गया तुमको भी चाहिए मैं सुकून से सहूलत दे हां कोई शक नहीं आगे जनाब को जी सर क्या कहेंगे भाई जान मेरा शाहिद है इधर इधर मेरा नाम शाहिद है शाहिद भाई मैं कनाईवार से बिलोंग करता हूँ जनरल सेक्रेटरी हूँ वहाँ का जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है उस दिन इत्तेफाक से किस्मत हमारी ये अच्छी है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ ये अलग को खास करना है सिर्फ ये सबसे बड़ी अलग लाख लाख शुक्र है गरीब का टाइम था हम दुआ मैं दुआ कर रहा था ये अलग जानी नुकसान से बात वो मैं कहता हूँ अपना सामान जल गया वो भी जान पे ही बात आ जाती है ना कि यार की इतनी मेहनत की थी अगर ब्लास्ट जितना बड़ा था अगर ये हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता ये बहुत बड़ी आग थी इत्तेफाक से एक आधे पौने घंटे के अंदर अंदर वो आगे शाम हो गया फिर हमें एक फोन नंबर मिल गया जिस फोन पे वो था एससी साहब का फोन नंबर एससी साहब का ऑफिसर है ठीक हो गया इत्तेफाक से उन्होंने फोन पिक कर लिया जब पिक कर लिया वो उन्होंने फिर कहा कि मेरे बंदे आपके पास आते हैं क्योंकि दो घंटे में लगे इस कोशिश में उनके बंदे हमारे पास आए आके फिर उन्होंने जो है ना एफर्ट की उस एफर्ट से हमारे साथ सब इकट्ठे होकर उनसे मिले मीटिंग हुई हमारी उस मीटिंग से सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि रातों रात ये फिर सारे काम जो है ना ये हो गए वरना ये मेरा नहीं ख्याल था कि 25 साल हमने यहाँ कभी देखा हो कि 5 ट्रांसफार्मर एक रात में लग गए हों वो ऐसी अल्लाह का शुक्र अदा करें ये काम तो हो गया हाँ एससी साहब ने कोशिश की नुकसान कैसे पूरा होगा ये बताएं मुझे आज नुकसान के लिए आज मेरे पास फिर वो आए हैं उनकी टीम में से एक नुमाइंदा आया वो कह रहे हैं ये रिटर्न दे दें हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं तो आप जितनी मोटर बाइक साहब की जली हैं उसमें से जितना भी कंपनसेट कर सकेंगे करेंगे और जो इमरान है लाइन सुप्रिंटेंडेंट हमारा एलएस उसकी तरफ कार्रवाई हो रही है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे पूरी उनकी टीम में बैठी हुई है उम्मीद है दो लफ्ज ना पाकिस्तानी को सुनने को मिलते हैं कोशिश नहीं, उम्मीद और होगा जो जो ऐसे ही है ना जो बात वो बता के गए जो नजर आ रहा है उनको वाकई उनको मसला बना हुआ जो असली में आप एग्री है कि वो काम हो जाएगा नहीं वो है दोस्तों मैनू इमरान का तो हो गए इमरान इमरान की जॉब तो शायद चली जाए ठीक है और हमारे से जो वादा हुआ है उम्मीद है राशिद संतोष साहब बड़े अच्छे बंदे हैं आए थे फौरन आए दो कौन राशिद संतोष साहब ये एक्शन है एक्शन है अच्छा ठीक है शेखपुरा से उसी वापस आए स्पेशल जी शुक्र है ठीक है अल्लाह का शुक्र है एससी साहब ने कॉल की वापस आए फिर तो आपकी कोई शिकायत नहीं है ना नहीं नहीं है शिकायत जो थी वो पहले थी ना लेकिन उस दिन जो काम किया ये काम पहले हो जाना चाहिए था वो इमरान और एसडीओ साहब को पहले करना चाहिए था किया नहीं जब बिल्कुल सर पे आ गई ब्लास्ट हो गया उस दिन किया वो भी एसडीओ साहब को कॉल मिल गई उन्होंने एक्शन लिया उनको बताया छोटा जा रहा था कि जी एक ब्लास्ट हुआ है एक ट्रांसफार्मर गया है मैंने उन्हें फौरन मुझे समझ नहीं आ रही भी आप शिकायत कर रहे हो मैं तारीफ कर रहा हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं समझाता हूं मैंने उन्हें फौरन वीडियो भेजी जब वीडियो भेजी तो उन्हें समझ आया कि काम कोई बड़ा हुआ है बताए छोटा रहे नहीं मुझे बताएं लाइनमैन होते हैं मीटर रीडर होते हैं विजिट तमाम जगह करते हैं सब चीजें देखते हैं इन सबको पता गई है इनको सबको पता था लेकिन सब जानबूझ के कर रहे थे काम नहीं कर रहे थे नली आ गई ना ब्लास्ट हुआ जब इनके गले पड़ गई फिर वो हमारा इत्तेफाक से हमारी किस्मत उसी में काम नहीं होना था अल्लाह का शुक्र एसी साहब ने फोन उठा लिया हाँ जी। तब ये काम हुआ ये तब भी इन्होंने एसी साहब ने काम ही कराना था पैसों की डिमांड वो जो वो इमरान साहब कहते थे इमरान साहब है ना इमरान साहब उन्होंने इधर से आवाज आई है कि उन्होंने पैसों की डिमांड की है इधर से भी आई है आवाज मैं इमरान साहब बता रहा हूँ ना इमरान साहब का ये हाल था लाइन ठीक है वो कहते थे कि जनाब अली काम करने के लिए ये हम आपको जो ठीक करके दे रहे हैं ऐसे ठीक होगा अगर अच्छा ठीक कराना है ना जो लंबा टाइम चल जाए तो फिर आपको देने पड़ेंगे पैसे सर्विस चार्ज हाँ सर्विस चार्ज पैसे वो पैसे दें हम कही था एक दफा हमने खून कही था एक दफा हमने दिए हमारे सदर साहब ने दिए खुद आदत डाल लिया ना फिर एक दफा दिए उसके बाद दोबारा मांगे भजन में आपको खाऊंगा दोबारा मांगे तो हमारे जो दोस्तों ने मशवरा दिया नहीं देने अब हमने नहीं देने फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नंबर मिला उस नंबर से बात हुई उन्होंने कहा नहीं शिकायत अपनी यहाँ नहीं करनी इसकी शिकायत यहाँ करनी है फिर काम होगा सारे भाई सब अपनी जगह काम कर रहे हैं मेरा कभी कभी दिल करता है अपना नौकरी छोड़ना ऐसे कि लग जावा क्यों तुम्हारे को पैसे बड़े मिल जाते ये हम दुकानदार सब शिकवा कर सकते हैं कि हम कहते हैं जरा शॉर्टकट हो जाए और काम हो जाए आपकी बात का मैं जवाब ले लूं माइक जरा इधर दे फिर मैं आगे जाऊंगा सर की तरफ आए जरा जी बहन क्या कहने लगे थे आप इनकी बात बैठे मैं कनाईवार का दुकानदार हूँ बैठ जाए बेंच आगे करें आज बेंच आगे करें भाई जान लाएं इधर आगे लाएं आगे कर लें थोड़ा सा आगे कर लें बैठ के बात की ना भाई जान हम बैठे में आप क्यों खड़े हूँ
बताएं। मैं भाई कराड़ीदा का दुकानदार हूँ। हमारे उधर आए दिन एक एक फेस गया ही रहता है, तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन फेस नहीं आता। दो तीन दफ़ा हमारे ए सी चले हैं, कारे चली हैं, कह लें कि लाइटें चली हैं। शाहिद भाई की आदत में हमने रैली भी निकाली थी, ये भाईचान भी हमारे साथ थे, उनके पास गए। तीन दिन बाद जाकर उन्होंने हमारी लाइट सही की है, लेकिन वो रैली निकाली थी, एहतजाज किया था, एहतजाज वही ना एहतजाज किया कि उसके तीन दिन चार दिन हम उनके पास लगातार भी जाते रहे हैं, लेकिन कोई मसला हमारा हल नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये आए हैं, आर्थिक तौर पर उन्होंने कार्रवाई की है। सैटरडे की नाइट को भी ये यहाँ पे बड़े ठीक ठाक चिंगाड़ियाँ निकली हैं। अच्छा, ये आए हैं, इन्होंने दो मिनट का काम किया, उसके बाद फिर चले गए। फिर मंडे को फिर चिंगाड़ी की है ना, मंडे को चिंगाड़ी नीचे गिर के नीचे भी आग लगी है। अच्छा, लेकिन उस दिन भी आए हैं, उन्होंने उस दिन भी फेस नहीं आ रहा था, उस दिन भी फेस नहीं आ रहा था, फेस सही करके गए ट्यूजडे की मॉर्निंग को, लेकिन नाइट में आ गए। फिर थोड़े बहुत पैसे देके काम करवाया। बाजार में मुश्तरका हमारा काम बंद है, हम पूरा पूरा महीना कमाई नहीं कर रहे यार। हमारी वो तनख्वाह आप लोगों के टैक्स से, वो लोग तनख्वाह नहीं ले रहे, नहीं ले रहे ना, वो आप लोगों की टैक्स आते हैं, तनख्वाह मिलती है, कुछ भी नहीं है, फ्री यूनिट है उनके पास। वो कह रहा है गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, पैसे दे हम आपको वहाँ पे सही करवा के, वो छह महीने की गारंटी। यानी वो हुकूमत है पंजाब को और पाकिस्तानी हुकूमत को कहता है गरीब है, उसके पहले कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात की उसने। मैं सही करूंगा, आपको छह महीने की गारंटी दूंगा, उसने ये बात कही है। उसने कहा जी मैं छह महीने की गारंटी दूंगा अगर आप पैसे देंगे। मैं आ रहा हूँ आपके, मैं आ रहा हूँ, सही कह रहे हैं खुरम भाई, मैं कहूँ खुरम भाई के पास जाता हूँ। इतनी बड़ी उसने डिमांड की कि उसने कहा कि आप पैसे दें, डेढ़ लाख दें, आपको छह महीने से आठ महीने का टाइम दूंगा, उसमें अगर खराब हो गया मैं जिम्मेदार हूं आपको फिर फ्री से। वो डेढ़ लाख लेके उसने कैसे ठीक करना था? पैसे नहीं देंगे तो ये घंटे बाद ही बंद हो सकता। कितने पैसे दिए? वो मुझे नहीं पता, वो शाहिद भाई को पता है। कितने पैसे दिए शाहिद भाई? कितने पैसे दिए जे पकड़े दोबारा? कितने पैसे दिए आपने? उसे दिया 25,000, 25,000। अच्छा, रीजन क्या बनी थी? हाँ जी, वो इमरान को दिए थे। अच्छा अच्छा, मसला हमारा ये था कि हमारे तीन दिन से लाइट नहीं आ रही थी, हमें ये कहा जा रहा था कि पीछे राशि है, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमें इसको ठीक करने में टाइम लग रहा है। अच्छा, अब अंदाजा करें जरा, ये बात को समझे ना आप। सर मैं समझ रहा हूं, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त वो करने को तैयार नहीं था। एक रात में जब ऑफिसर ने कहा, यही तो मैं उस वक्त कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। उस वक्त जो है ना, एक रात में कैसे लगे कि ऑफिसर ने कह दिया, उन्होंने कहा ये लो सामान। उस वक्त मैंने सामान लिखवाया, उन्होंने डिमांड पूरी की, सामान की तारे भी नहीं चेंज हो गई, ये सब कुछ हुआ एक रात में, हुआ सब कुछ ठीक हो गया। वो अब उन्होंने पूछा इमरान से कि इमरान तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुमने कंप्लेन इसकी लिखी थी, सब कुछ किया था, इमरान के पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। 25,000 जेब में थे? नहीं, वो 25,000 नहीं, वो उसके पास बस उसने काम करना तो फिर होना, काम किया ही नहीं उसने कुछ भी। फिर 25,000 के फिर काम किया, फिर भी गुजारा ही, फिर भी गुजारा। पैसे हमारे है, मेरी बात सुन, पैसे वो मांगता है भाई ने, बिल्कुल सही कहा, उसके पास अवेलेबल ही कुछ नहीं है, कुछ चीज ही नहीं है, वो कहता है। आपको कैसे पता? हमारी लाइट तो सबसे ज्यादा लाइट हमारी इनकी और हमारी दो मार्केटों की लाइट सब सही है, नहीं नहीं सही नहीं है, सही क्यों है, नहीं गलत वो भी गलत है, मगर ये देखा ना, तीन तीन दिन हमारी लाइट ना आए, तीन दिन हमारी लाइट ना आए तो हम कारोबार कैसे करेंगे? तीन दिन में 72 घंटे होते हैं लाइट सही करने सर, के लिए होते हैं, मुझे पता है ना, जब ये धमाका हुआ एक्सेस साहब कहते हैं लाइट हम 4 घंटे में प्रॉपर काम कर सकते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम 4 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदलते हैं, हमारा 72 घंटे में बदल रहा, और ये एक दफा नहीं हुआ, ये 3-4 दफा इनका भी हुआ भाई जन का जी। इनसे पैसे लिए हैं, हमसे पैसे लिए हैं, मगर हम इंतजार करते हैं जी। जब भी दफ्तर जाते हैं, दफ्तर का ऑफिसर कौन है जी? SDO है ना, थाने का SHO मालिक होता है, दफ्तर का SDO मालिक है। मालिक नहीं है, आपका नौकर है भाई, मैं नौकर, आपके बच्चों का भी नौकर है, मालिक मुलक नहीं है वो, हम बताएं उसको। मैं बताऊं, ये किसी के बाप की विरासत नहीं है, सरकार में बैठा हुआ हर बंदा जब हल्क लेता है ये बात करता है, वो उसको बावर कराया हूं, उसका दफ्तर बैठ के वो एसी चल रहा है, मेरे का एसी आपके बाप का नहीं है। एग्जैक्टली, हम चला हमारे पैसे तो चल रहा है जी, हम बिल देते हैं लाखों रुपए, इस मार्केट में लाखों रुपए बिल जाता है, करोड़ों रुपए बिल जाता है, बिल्कुल। ये भाई ने बताया नहीं आपको? सर मैं सुन रहा हूं, मैं वही तो बात कर रहा हूं, दुकानें जल रही है, लाख लाख रुपए से कम बिल किसी का नहीं है। हां जी, और हमें यहां पर कोई बेनिफिट नहीं है जी। एक मसला ये है, मेरी हमदा शबाज साहब से और ये मरियम नवाज साहब से और ये नेस्को चीफ है जो हेड है लाहौर के, इनसे मेरी पुरजोर दिमाग से गुजारिश है कि इसकी पूरी रिक्वायरी कराई जाए और जो कराड़े वाकई उसको जरूर सुधार दिया जाए।
ताकि ये दोबारा हादसा ना हो। सर गुजारिश करें, ऑर्डर करें, आप हुक्म करें, गुजारिश ऑर्डर करना चाहिए, आपने टैक्स दिया, हमने तनख्वाह दे रहे हैं सर। ये इंक्वायरी लाजमी हो और इंक्वायरी में हमारी ताजर की नुमाइंदगी भी शामिल हो ताकि हमें पता चले कि इनका हुआ क्या है। मैं पहली बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ, इनके बच्चों की स्कूल की फीस है ना वो आप लोग दे रहे हैं, इनकी बीबी के जो मेकअप आते हैं वो आप लोग दे रहे हैं, जो खरीदारी करना आती है पैसा दे आए बाल लामल भी दे जाएंगे, ये जो छोटे बाल लामल नहीं नहीं छोड़ू क्या बताएं आप, छोड़ूंगी बताएं आप, यही गल हुई गल नहीं हुई। अच्छा मेरी बात पूरी करें, ये जो मैं कह रहा हूँ इंक्वायरी, इस इंक्वायरी में हमारी ताजरों की नुमाइंदगी शामिल हो और हमें पता चले कि ये क्या कि इन्होंने की है, ऐसे जो ये हमला है ये कहीं भी जाएगा सबको तंग करेगा सर, ऐसे ही करता है ये जो आप बैठे हैं, जैसे आपने शुरू में बताया आपको बड़ा नॉलेज है इसका सर, आपसे ज्यादा नहीं है सर, हब है मेरी बात सुने, हाँ जी ये किनारी बाजार, ये सुहा बाजार, ये आजम हाई की हब है सर, हब है ये हमारा, यहाँ से 24 मार्ट शुरू किए हैं, हाँ जी सारा शादी ब्याह का स्मार्ट है, तीन तीन लाइन लिया है कि तुम कैसे कारोबार करेंगे, हाँ जी यहाँ पे कितने बच्चे काम कर रहे हैं, लाइट होगी कारोबार होगा तो उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनको तनखाएं मिलेंगी जी, ऐसे तनखाएं भी नहीं मिलेंगी उनको भी पता है मजबूरी है आप लोगों की, जी पैसे देंगे ही देंगे, यकीन करें हम यहाँ पर रहने वाले जदी कुश्ती, ये मेरा बड़ा भाई है जुलकार, ये भी जदी कुश्ती में रहने वाले हैं, ठीक है हम यहाँ से 100 साल से पहले सर मैं भी अंदरून शहर गई हूँ, हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर वो टाइम था, एक मेरी बात सुने, इधर वो टाइम था यहाँ पर दुकान किराए पर नहीं मिलती थी, कोई ऐसा ना कहता किराए पर दुकान चाल लगे हुए, वो कहते थे चाल लगे हुए, अब हमारी 75% दुकान रेंट पे है, हाँ जी और रेंट का मतलब समझते हैं रेंट एक माह में आता है, एक माह हफ्ते का हो गया सर, डेली आप डेली हैंड टू माउथ समझ समझ दुकानदार, एक माह का हफ्ते में आगे दिन हफ्ता एक माह हफ्ते में बदल गया, जो हमारी तो पोजीशन है हम बहुत परेशान हैं, आप चले भी उठे चले अपना कैमरा मैन है यहाँ पे, मेरी बात सुने कम अज कम एक 1000 अड्डा या 800 अड्डा यहाँ पर नजायज लगा हुआ है खाने का, सो वो जब हम वहां जाएंगे जरूर देखेंगे, ट्रैफिक वार्डन कोई नहीं सर इधर, ट्रैफिक वार्डन और वो सारा मंथली लेते हैं, कौन सारा, ये कॉर्पोरेशन वाले भी लेते हैं, दूसरे भी लेते हैं, सब लेते हैं, कॉर्पोरेशन वाले दूसरे कौन से लग सकते हैं सर, कॉर्पोरेशन वाले हो गए दूसरे कौन से, ये जो दुकान से भी लेते हैं लगाते हैं आगे, हाँ जी मैं कब कह रहा हूँ अपने दुकानदार इन्वॉल्व है ना सर, लगाते हैं ना मचाते हैं फिर उसके बाद 3 महीने 6 महीने 1.5 किलोमीटर का इलाका जनाब में जो हमारी सीटियो है ऑफिसर रोज वारदात होती है, लोगों के पर्स निकलते हैं, ये रिक्शा निजात खड़े होते हैं, लोगों को नौसरबाजी होती है, किसी का माल कोई उठा के ले जाते हैं, अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है हमारे लिए, इनके पास 4 बंदे नहीं है, दो ट्रैफिक वार्ड इधर हो और 2 पुलिस वाले इधर हो, जरूरी है और काफी कंट्रोल हो सकता है, मगर इन्होंने कई दफा सदर साहब ने रब्ता किया, ये हमारे बड़े भाई बैठे इन्होंने रब्ता किया, हमारी कोई नहीं सुनता, ये हमारे लिए हमारी आवाज उनको तक पहुंच रही है, आपकी दोस्तों से आपकी मेहरबानी है, आपका बहुत शुक्रिया, सामा भाई का भी शुक्रिया जो हम आपको लेके हैं, हम हाजिर सर, हम हाजिर, मगर ये हमारी आवाज आप उनको चाहिए कि हमें ये सर ये आवाज तो सामा लाजिम जाएगा, हाँ नहीं हमें उनको चाहिए कि ये हमारा मसला जो है जायज मसला है, जायज कोई नहीं है इसमें, हमारी जो डिमांड है ये बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज में कोई शक नहीं, इधर आप हमें अकोमोडेट करके दें, ये 2 ट्रैफिक वार्डन हो, कम से कम 2 तो हो ना, हाँ जी ठीक है, ये और 2-3 पुलिस वाले हो, 4 थाने में लगते हैं, हाँ जी बस्ती थाना लगता है, अकबरी थाना लगता है, रंगा थाना लगता है, लोहारी थाना लगता है, 4 थाने इधर ही होते हैं, अच्छा थाने को भी कभी आ जाए ना तो ये भी मसला होता है, ये मेरा इलाका नहीं है, वो मेरा इलाका नहीं, मेरा इलाका बॉर्डर लाइन आ गई ना, इन्होंने भाई ने किले कराया हमारे ने, अच्छा अब कौन सा थाना आ रहा है, अब ये मस्ती गेट आ रहा है, चलो मस्ती गेट में आ गया, अच्छा आधे मस्ती आधे रंग में कर तमाम ताजर बरादरी की सुने, ये अपील करता हूँ कि हमारे कम से कम हमारा ये ट्रैफिक का मसला लाजमी सॉल्व करें, सारे सॉल्व करें सर, ठीक है जी बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी भाई साहब, ओ ओ बाप एक मिनट, हाँ जी 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 बताए, यहाँ पे भाई जान माइक पास कर ले, माइक पास, यहाँ पे क्यामत अमेज मंजर था, अच्छा जब ये ब्लास्ट हुआ है मैंने अपने वर्कर को भेजा, मैं जल्दी से जाओ कि आगे पानी वाला तालाब में गाड़ी करिए उनको, तो यहाँ पे आग लग गई, अब जल्दी आए, वो आप क्या कह रहे हैं, वो आप क्या कह रहे हैं कि वो हमारा इलाका ही नहीं है, और ये पाकिस्तान में नहीं आता इलाका, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, किसी ने एक्शन ही नहीं लिया, मैंने एक कॉल की है फायर ब्रिगेड पे, उन्होंने एक कॉल अटेंड करके 15-20 मिनट मेरे फोन ही नहीं उठाया, इनके पास गए हैं
वो कह रहे हैं जी ये हमारा इलाका नहीं है जी, आप फलाने दफ्तर जाएं वहाँ पे आपकी सुनी जाएगी। बहुत गलत बात है। यहाँ पे क्या मतलब इस मंजर था भाई जान, ये यकीन करें इन्होंने इतना जलील किया। इनमें से कोई हलाल करके खाना नहीं चाहता यार, मैं आपको सही बताऊँ ना, ये सरकारी इदारे हैं ना, ये हलाल करके नहीं खाना चाहते। और यहाँ पे अगर कोई वाकया भी हो जाए ना तो किसी ने 15 पे कॉल किया, वो कहते हैं जी फलाने ढाने कॉल करें, ये आपकी लाइन वो है, ये कोई तरीका है? पाकिस्तान में ही आते हैं ना सारे ढाने। ये मेरी आपसे अपील है कि माइक पास करके अपील करें, आमदोरफ्त का निज़ाम ठीक किया जाए। इंक्रोचमेंट ठीक है, ये करते हैं हम मानते हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल, ये इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। आठ दिन आप एक्शन करते हैं और 6-6 महीने बाद में आपको पता ही नहीं होता जी वहाँ पे क्या हो रहा है। कोई शक नहीं, कोई शक समझ रहे हैं, कोई शक नहीं। देखिए किन्होंने बात करनी है, कौन करेगा? भाई साहब करें जी, फरमाइए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि हमारे मुल्क में ना तालीम है ना शऊर है और ना हमें हक लेना आता है। हाँ। अगर हमें हक लेना आता हो तो ये वाकयात ना हो। एसडीओ पैसे मांग रहा है, एसडीओ की क्या जरूरत है वो पैसे मांगे, या एक्शन की जरूरत वो क्या जरूरत है कि वो पैसे मांगे? बिल्कुल, या आपका काम ना करें। हाँ जी। असल में हमारे हुक्मरानों ने हमें इस तरह का शऊर ही नहीं दिया, तालीम ही नहीं दी कि हम अपने हकूक को पहचाने, हक पहचाने। सर हुक्मरान कभी शऊर नहीं देना चाहते, हुक्मरान ने आपको शऊर दे दिया तो वोट के तो पाना है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये देखे ना, ये बेचारे कई दफ़ा आए हैं यहाँ कि यहाँ ये मसला हो रहा है, वो कनाड़ी बाजार वाला ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, वो कह रहा है जी पैसे दे दें, शेरा वाला का ख़राब हो गया, वो कहते हैं जी पैसे दे दें। ये सब गैर शऊरी लोग हैं, अगर इनको शऊर हो ना, अगर आवाम को शऊर आ जाए। गैर शऊरी लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो हराम खाना पसंद करते हैं। आप गलत कह गए हैं सर, हलाल नहीं करना चाहते। हलाल इनको हलाल कैसे करें, इनके बच्चे इनकी जितनी तरह उससे ज्यादा फीस इनके बच्चों के स्कूल की है। हाँ जी। तो फिर ये कहाँ से लाल खाएंगे? हाँ जी। ये तो हमारे इधर गौरी साहब हैं, रफीक सिद्दीकी साहब हैं, ये बागडोर करते हैं। हाँ, ये सरकारी स्कूलों में तो बड़ी थोड़ी सी फीस होती है, पढ़ा सकते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते नहीं है ना, क्यों? सरकार ने बनाए हैं, आपके पैसों के मेरे पैसों के? सर सरकारी ना स्कूल चलते हैं ना हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये जो चलता है प्राइवेट ही चलता है। यहाँ आप ये स्टील मिल आपकी ये बंद पड़ी है कब से, और प्राइवेट स्टील मिलें कितनी चल रही हैं? बिल्कुल। आपकी एयरलाइन कहाँ है और प्राइवेट एयरलाइनें कहाँ हैं? ये प्राइवेट मुल्क है। बिल्कुल। ये सरकारी मुल्क नहीं है, यहाँ प्राइवेट निज़ाम चलता है। बिल्कुल। बहरहाल ये जो कुछ हुआ है, जितनी एफिशिएंसी है एक्सियन साहब ने, एसडीओ साहब ने उस दिन दिखाई है। हाँ जी। अगर वो पहले दिखाते तो यहाँ ये वाकया ना होता। आज मुल्क के हालात इस तरह के हैं, कारोबार अगर पहले दिखा देते तो जनाब 25,000 कैसे देते? मुल्क के हालात इस तरह के, कारोबार के हर बंदा बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकता। कोई शक नहीं सर। और ये छोटा कारोबार की सुनाई कैसा चल रहा है? कारोबार कारोबार ठप है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। ये कारोबार के दिन है, आप बाजार में जाएं आपको पता चले कि क्या हो रहा है। हाँ। ग्राहक में कैपेसिटी नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है, नहीं है। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का। बहुत भाई साहब, क्या सलाम अलैकुम जी, भाई साहब कैसे हैं आप? माजर चाहते हैं, बुजुर्ग बैठे थे, बड़े लेट पहुंचे हम। माइक आपको पास करना पड़ेगा, भाई साहब करीब करना पड़ेगा, बिल्कुल मुंह के। ये पानी की आ जाती ना, ये फायर ब्रिगेड वाले तो इतनी मोटरसाइकिल लेना चाहते। हाँ, वो बच्चा बता रहा है, वो कहाँ गया, गायब हो गया। वो कह रहे हैं कि जी फायर ब्रिगेड वालों को मैंने बुलाया, वो कहते मेरा एरिया ही नहीं। इतनी लेट आए कि 25 मोटरसाइकिलें जो नुकसान वापदा का हुआ उन्होंने पूरा कर दिया, वो मोटरसाइकिल हुआ किसने करना पूरा? जी किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा। वो पता नहीं किस तरह पैसे जोड़ जोड़ के उस बच्चे ने बाइक ली होगी तो, या उसी घर ने बाइक ली होगी। हम तो 2 महीने से परेशान थे लाइट की वजह से, मार्केट मारी सिर्फ लाइट की वजह से चलती है, लेडीज काम है, ब्राइडल काम है। हाँ जी। और ये है कि 2 महीने से परेशान थे, ये लगाते फिर उसी दिन वो जल जाता था, उसी दिन जल जाता था, उसी दिन और भी काम ठीक नहीं हुआ। बल्कि इन्होंने तो पहले कह दिया, जो आखिर में जो भाई साहब माइक पास, दो दफा ये जला है। हाँ जी। दो दफा ये फारग हुआ है, मगर फिर भी वो लगा देता था। इमरान नामी लड़का है, बाबडा का क्या नाम? हाँ, उसी के बता रहे हैं, इमरान नामी लड़का ही है, 25,000 वाला। हाँ हाँ, 25,000 वाला ना भाई, 25,000 वाला आहो दिया है इन्होंने, कह रहे हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। उसकी ऑटो मारती है, उसको कह दिया था इसने पूरा, उसने पूरा टाइम नहीं गुजारना, ट्रांसफार्मर ने पूरा टाइम नहीं लेना, वही बात 5 बजे वो ब्लास्ट हो गए, उसकी वजह से बाकी भी ब्लास्ट हो गए। अल्लाह खैर, उसके नुकसान बहुत ज्यादा। हाँ जी, कौन आएंगे जी? ऐसे भाई बोले, बोले ऐसे बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं थोड़ी सी आपसे टाइम लूँगा और बात करता हूँ आपसे, थोड़ी सी इजाजत मैं कहता हूँ जी आपको। अच्छा। ये आपने कहा, ये जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, ये पंजाब का सबसे मुझे लगता है। नहीं सर, नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना बाजार है।
अच्छा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब ये लाहौर आबाद हुआ, ये राम सीता का नाम आपने सुना होगा, उसके बेटे लहू ने लाहौर आबाद की है, और जहाँ बैठे हुए ना, ये पूरे वॉल सिटी का मरकज है। आप फीते से नाप लें, जिस शेप से इधर चले जाएँ, दिल्ली गेट से पान तला टकसाली, पूरा सेंटर है, और यहाँ ये सेंटर में 12 मार्केट है हमारी दाएँ बाएँ, किनारी बाजार, डब्बी बाजार, कश्मीरी बाजार, छत्ता बाजार, कुमटी बाजार, छूटी बाजार, ये बाजार हट्टा, उसके बाद ये हवेली कुंडी तरह ले लें, ये हमारे 12 बाजारों का मरकज है जहाँ से ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से 12 बाजारों की एंट्री है। बाकी तो सब भाइयों ने बात की, मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये दुहारी से लेके रंग पानी में तला तक 28 पॉइंट इन्होंने ट्रैफिक वाले ने नामजद किए, जहाँ पर हमारे बॉर्डर होने चाहिए। डब्बी बाजार का पॉइंट मैंने मंजूर कराया CTO को लेके, उन्होंने टर्न भोलीबाग नाम रखा है। सर, ये ट्रैफिक के मसले पे जो हम बात कर रहे हैं ना, इस पे ये हमारे अंदरून शहर में सिर्फ शालमी से लेके यहाँ तक 28 पॉइंट है। CTO साहब से मेरी 12 मीटिंग हुई है, आसिफ सदीक साहब से हुई, SSP आसिफ सदीक साहब चले गए, चले गए, अब शहजाद खान साहब से हुई, शहजाद खान साहब SSP डिवीजन चले गए, हाँ जी उनसे हुई, अब गए हैं, उन्होंने कहा जी हम लगवा रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई वार्डन नहीं है। अभी आप बैठे देख रहे हैं ट्रैफिक का हाल, जी मैं देख रहा हूँ, ये सारी वार्ड में आ रही है, हमें गाड़ी लगानी मुश्किल, ये अगर वार्ड में ना लग आए तो यहाँ पर रश ना हो, जब ये रश होता है उससे वारदातें होती हैं, उससे वारदातें होंगी, उससे वारदातें होती हैं। अब ये कहते हैं क्रोचमेंट, बेशक क्रोचमेंट है शालमी में, मगर 75% जो है रॉन्ग पार्किंग है, वो ट्रैफिक पुलिस की ना ही ली है। पार्किंग प्लाजा बनाया तो पार्किंग प्लाजा के 2 फ्लोर पर सर खाली है, वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती, वो प्लाजा वाले कहते हैं हमारे पास आइल नहीं है जनरेटर चलाने के लिए, हम लिफ्ट नहीं चला सकते, ऊपर के फ्लोर खाली है। वो दुकानदार भी जब ट्रैफिक पुलिस वाले सख्ती करेंगे ना, ये गाड़ी टाइम तो फिर वो खड़ी करेंगे, गाड़ी नहीं वहाँ तक जाती, जाती है, जाने नहीं देते, ऊपर कैसे जाएंगे, वापसी पे कैसे आना है, लिफ्ट में आना है, लिफ्ट बंद है। अच्छा, अब ये ट्रैफिक वाले अगर सख्ती करेंगे, गाड़ी ना आप खड़ी करें, फिर लेके जाएंगे, मुझे क्या जरूरत है मैंने गाड़ी खड़ी करनी, तो आप सर ये 75% जो है रॉन्ग पार्किंग है, तो ये हमारा हाल। दूसरा आप कह रहे हैं कारोबार के हवाले से, मुझे 51 साल हो गए यहाँ पर, माशाल्लाह यहाँ पर 80% जो थे ना ताजर, 90% कह लें जो मालिक थे, अब जनाब 80% किराएदार है। अच्छा, मालिक दुकानें किराए पर दे के चले गए हैं, जिनसे काम भी होता है वो देखते हैं कि आमदन नहीं है, कस्टमर की कुवतें खरीद नहीं है, अगर दुकान पे 10 कस्टमर आते हैं ना तो 8 वापस हो जाते हैं कीमत सुन के, वो कम से कम कीमत वो अब है नहीं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर रहा, आपको मटेरियल भी महंगा मिलेगा, तो चीज आगे महंगी बिकेगी। बात करें ना जितने हमारे खर्चे थे पहले, सिंपली एक हम रिटर्न भरते थे, इनकम टैक्स देते थे, फिर उस पर आप गया सेल टैक्स, फिर उसको GST करार दे दिया गया, GST आ गया, अब GST भी लग गया, अब ये बिल है मेरे पास, इसमें 14 किस्म के टैक्स हैं, ये टैक्स किस मद में है, टैक्स तो हम दे रहे हैं, फाइलर हैं हम, तो ये टैक्स किस लिए, इसमें टीवी का लग के आ रहा है, इसमें लग के आ रहा है, अब आप दुकान पे कौन सा टीवी देखते हैं, दुकान पे कौन सा टीवी देखते हैं, मैं ये भी सर मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद में टीवी लगा हुआ है, मस्जिद में फ्रिज ठीक से आ रहा है। अब ये देखें ये 3 फीस जहाँ पर लगे हुए ना, ये उन्होंने 20,000 रुपया फिक्स कर दिया है, फिक्स टैक्स 20,000 रुपया, इसको देखें जरा माई चलाए कैमरे पे, बताएं बताएं आप, 20,000 रुपया फिक्स टैक्स है बिलिंग के अलावा, जबकि 196 बिल का ये 191 यूनिट का बिल है और 50,000 रुपया हमें देना ही देना है, देने देना, ये आप जगह टैक्स है, बिल की कीमत नहीं है, बिजली की, ये फिक्स टैक्स है, ये बदमाशी, और ये टैक्स वो है जो 25,000 की जगह गया हुआ है, जगह गया, जो 25,000 देते हैं आप, अब जो टैक्स है वो हम इतने दे रहे हैं, वो हमने कहाँ से दे रहे हैं, वो हमारे टैक्स जो है उसके 14 किस्म के इस पे टैक्स है। अब आ जाए विल नोट टैक्स पर, हाँ जी, अब यहाँ पर हर बंदा फाइलर नहीं है, 22 लाख फाइलर है पाकिस्तान में, हाँ जी, क्यों नहीं फाइलर करने दे रहे, पीछे उन्होंने एक फ्रॉड किया था कि हम आपको स्कीम दे रहे हैं जी, आपको बड़ी अच्छी स्कीम देंगे, वो स्कीम क्या थी, फ्रॉड, जहाँ पर सौदेबाजी होती थी, जनाब 1200 रुपया आप दे दें और आप फाइलर हैं, बाद में हम कहते हैं जनाब दुकानदार गरीब है, वो 500 रुपये देंगे, उन्होंने स्टार्ट का नंबर लिया है, वो तो आज दो स्कीम कोई नहीं थी, वो सिर्फ ताजर को लूटा गया है, उसके साथ से चेक किए गए हैं, उस पर टैक्स लगाया गया, उसको अंदर दिए गए, ये कौन सी ताजा दो स्कीम है जी जिसपे आप लेके जा रहे हैं और हर दिन उसे पर्चा कर रहे हैं, ये कौन सी ताजर, ये सर ताजर दुश्मन स्कीम थी जो उन्होंने बनाई। अब आ जाए विल नो टैक्स पे, अब जो प्रॉपर्टी जीतता है वो 12% सर विल नो टैक्स देता है, डबल आ रहा है, जो है 3%, अब लोग रजिस्टर नहीं करा रहे, किराएदार, उसके बाद आप आ जाए प्रॉपर्टी टैक्स पर, हाँ जी, जो प्रेफरेंस है वो 100% 200% बढ़ा दिया गया। अब हम लोग जितनी आमदन करते हैं उससे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं चलने दे सर, भाई साहब कोई बात नहीं है सर। अब टैक्स की मदद टैक्स दें,
अभी आपने बात सबसे पूछा है कि सरकारी स्कूल का है, सर सरकारी स्कूल तो खत्म होते जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट खत्म कर रही है सरकारी स्कूल, वहाँ पर कोई प्लान नहीं बन रहे, कई आपके आप तो जानते हैं हमने आपसे ज़्यादा आप इस पेन में खत्म किए जा रहे हैं, अगर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट तो उन्होंने ट्यूशन जाने, तो सर हालात हैं कि वो कायम रहे खत्म ना हो, हालात हैं स्कूल के, अब बच्चे जो है आप कस्टमर देख बच्चों देखें 12-12 साल के बच्चे दुकानों पर काम कर रहे हैं क्यों उनका खर्चा नहीं चल रहा, रक्षा देखें चिंग चिंग चला रहे हैं 12-12 साल के बच्चे, सर बच्चे तुम्हारी कहाँ पर है, हम कहाँ बैठे, जो हमारे बड़ों ने हमें दिया हम क्या दे के जा रहे हैं, बिल्कुल फाका दे के जा रहे हैं बच्चों को, क्या दे के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं सर हमारे पास, ये ताजर जो है ना आप सिंध में चले हैं कोई बिल नहीं दे रहा, सब चोरी हो रही है, पंजाब पे सारा लोड है और पंजाब पे टैक्स है, पंजाब का ताजर ही पिस रहा है, अब हम ताजर खुलवाते हैं हम यकीन करें खर्च करते हुए डरते हैं कि हमारे पास जेब में पैसा, कि मौईशत की ना बॉन होती है ताजर, बॉन हो गई आप मैं कह रहा हूँ बॉन होती है कमर की हड्डी, बिल्कुल कमर की हड्डी होती है बॉन है वो, अब कमर की हड्डी जो टूट गई है वो हड्डी नहीं रही, और आप कहीं भी जाकर देख लें ताजर हर वक्त परेशान है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, किराया बड़ा मुश्किल निकलता है, 5-6 महीने कारोबार रह गया है और ये प्राइस ये देख लें आप ट्रैफिक की वजह से और उनकी वजह से हमारे कारोबार के हैं कोई भी नहीं, क्षेत्र अजीब बिस्मिल्ला रहमान रहीम नाम दो नुसल्ली अला रसूल करीम क्षेत्र अजीब बिस्मिल्ला रहमान रहीम बड़े हम देखा, सबसे पहले मैं लाहौर रंग की जो टीम है उनको उनका शुक्र गुजार हूँ कि हमारे साथ इस वक्त में आके हमारे साथ कंधे पे कंधा लगाया, हमारे साथ हमारे दुख दर्द बांटने के लिए आप आए, आपका ड्यूटी है सर हमारी, ड्यूटी है कोई शुक्रिया सर ड्यूटी है हमारी, और उसके बाद हमारे जो सदूरत रात हैं हमारी मार्केट के हैं मौजूदा जहाँ पे सालियाँ हुआ है उसके अलावा भी हमारी मार्केट के सदूर जद रात आए हम उनका भी शुक्र गुजार हैं जो हमारे साथ आकर उन्होंने कंधे के संधा कंधा लगा के हमारे दुख मुसीबत में हमारे साथ साथ, ये अच्छी बात होती है सर। अब आपने आपका क्या क्वेश्चन है सर, मेरा सवाल कुछ भी नहीं है, मैं इतना कहूँगा सबकी बातें आपने सुनी है, मैं तो आखिर में ये सवाल करूँगा जितना कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप ही किसको समझते हैं, मैं तो ये बात करूँगा। अच्छा बात यह है कि ये किसी वजह से काम शुरू होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना, पहले सुलगती आग तो फिर धुआं निकलता है फिर आग लगती है जी, ये अमला जो है ना सबसे पहले जो ये सानिया हुआ है इसके बारे में बात पहले कर जी जी आप करें, मसाइल तो बहुत हैं जी जी बहुत मसाइल, हर बंदा मसाइल से घिरा हुआ है जी, अब ये आ गया कि हम कमाई नहीं हो रही हमें जी, हम परेशान हैं किसी चीज का, हमें जो है ना ये दुकानें पीछे देख देना ध्यान करें देना पीछे, ये कैमरा बने देना भाई पीछे, ये वो दुकानें हैं जिनका 3-3 लाख रुपए रेंट है ठीक है, और लड़कों के पैसे डाल के 8 लाख रुपए खर्चा बन जाता है महीने का, अब देखे ये कहाँ से खर्च, 1 लाख रुपए हॉस्पिटल कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये क्या वजह है, ये सबसे जो है ना ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना इन मैं नून लीग का हूँ मगर ये जो अदारे हैं अदारे जो हैं इनको खींचा जाना चाहिए, हाँ जो कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं वो कोऑर्डिनेटर जो है ना इनको वॉच नहीं करते, आज आके हम आपस में तकरार कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटर का काम ही यही है कि इन चीजों को देखें। अच्छा वो अब हमारी जो आवाज हम जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाते हैं, ये हमारे हम ताजर भी हैं और हम इलेक्शन भी लड़ते हैं, बिल्कुल लोग प्यार भी करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हाँ जी। हम इनके साथ शाना बशाना करें, अब ये है कि जो अमला है ना अमले का काम है ऑफिसर तक बात पहुंचानी जी, ऑफिसरों का काम है आगे बात लेके जानी, जो एसडीओ लेवल है उसके आगे एक्सीजन है एससी है, ये ट्रांसफर उन्होंने प्रोवाइड करना होता है, अभी बात काट रहा हूँ अफसर हम कहते हैं अफसर नहीं है ये, मैं फिर कहूंगा मुलाजिम है, हम अफसर नहीं कहेंगे ना तो वो फिर हमारी बात भी नहीं सुनेंगे, ये हमारी प्रोटोकॉल चाहिए उनको ठीक है, नहीं ये देखें आप हमारे लिए आए हैं, मैं हूं सर, हम इनके लिए वहां पे खड़े होते हैं लाइन में, अगर हमें काम ना हो इनका तो हमें गिरेबान पकड़ना है, आप इनके लिए भी लाइन में खड़े होते हैं, आप उनके लिए भी लाइन में खड़े होते हैं, बिल जमा कराते हैं उनके लिए उनकी तनख्वाहों के लिए, वरना हमें अल्लाह ने ताकत दी है गिरेबान पकड़ने की इनकी, जातियात में हम आए ना तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, मजबूरी है कि हमने सबका काम करवाना है, सबका काम करवाना है तभी इनके लिए जो है ना हमें नरम रोइया रखना पड़ता है, वो मुलाजिम है आपकी बात सही है मगर इनके साथ थोड़ा सख्ती करेंगे तो ये बात मानते हैं, तो बात उस पे आए कि जिम्मेदार जो है जी। जिम्मेदार आती है नीचे से, जो एक कंप्लेन जो लेता है कंप्लेन वाला पहला नंबर फोन नहीं उठाता, उस पर नंबर की बात करें, वो नंबर है फोन, अगर 2000 फोन जाएंगे वो फोन ही नीचे रख देगा, जाके उसको थप्पड़ पड़ेंगे फिर वो फोन उठ को उठाते हैं, ऐसे भी करते हैं हम, हमारा दिमाग खराब हो जाए ना अल्लाह के लिए, दुकानदार मजबूर है उनके पास जनरेटर है यूपीएस, जो मोहल्लेदार है ना उनके लिए हम ये भी करते हैं, करना पड़ता मजबूरी, बच्चे छोटे छोटे वायलेशन करनी पड़ जाती है, ये आप ये कह रहा हूँ कि ये इस चीज के मुस्तिक है ये लोग डंडों के,
असल तनख्वाह पे इनका गुजारा नहीं होता, वो तनख्वाह तो है, तनख्वाह इनकी कोई किसी काम में नहीं है, असल तो इनका जो लेके जाना रोज वो है, वो आपकी जेब में से ताजरों की जेब में से निकाला जाता है। सर आप ही दे रहे हैं जुगाड़ साहब। सर बात यह है, मैं बात बताता हूँ, ये सिर्फ नीचे वाले अमलों के काम है, SDO लेवल, XN लेवल, SC लेवल, ये काम उनके नहीं है पैसे खाने, ठीक वो खाएंगे, ये ट्रांसफर लेंगे, उनके नाम पे तो लेके जाते ना पैसे, क्यों सब नु दे देने, सब दे देने, ये बात सुने, ये बात सुने, वो देने वालों को सोचना चाहिए कि हम सीधा उसके पास जाए, SDO के पास, हाँ जी, XN के पास जाए, ये पैसे आपके नाम पे मांगे रहे, आप हमसे डबल लें, उनको कहना करें बैठ के, क्या बात, आप दे रहे ना डबल करें, कल हम आपको आके काम करेंगे, कल फिर आज 25 दे दिया, कल आप मांग रहे हमसे मुलाजम के 50 दे, 8 महीने की गारंटी देते हैं कि ट्रांसफर खराब नहीं होगा, लाइट खराब नहीं होगी, तो आप में से हमसे ले, आप हमसे पक्की बात करें, मुलाजम मिलता नहीं मिलता, आप तो मिलेंगे ऑफिस में, ये बात हमारी भी थोड़ी गलती है कि हम मुलाजमों को ये जो लाइन मैन वगैरह है इनको देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लेन में जो है वो फोन नहीं उठाता, हम पाने मारे फिरते हैं, उधर जाते हैं कभी, उधर जाते हैं उधर जाते हैं, क्या करें, अगर वायलेशन करते हैं तो पर्चे होते हैं, ऐसा ही है सर, ऐसा ही फिर कहते हैं सरकार के काम में मुदाखलत की, हाँ जी कार्य सरकार में मुदाखलत, FIR, तो ये मजबूर करते हैं हम लोगों को, अभी ये वक्त आ रहा है कि ये गिरा होगा, इन लोगों का बात नहीं मानेगा तो गिरा होगा, हम भी जो है ना, हम कौम नहीं रह गई, हम हजूम है, कोई तमाशा लग जाता है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਲੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਆਗੇ ਲਗਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਆਪ ਆਗੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇਧਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਹਰ ਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆਪਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਔਰ ਇਹ ਆਨਰ ਹੈ ਸਰ, ਆਨਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੇ ਆਪਕੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੇ ਬੁਲਾਣਾ ਔਰ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਆਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਦੂਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਆਪ ਯਹਾਂ ਕਹੇਂਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਗੇ, ਇਨਕਲੋਜਮੈਂਟ ਪੇ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਸਰ ਆਪ, इंक्रोचमेंट भाई जान, ये शार्मी से शुरू होती है, ये सब ये ड्रामा इधर का खाने का ड्रामा है, ये इधर का कि पीछे करें पीछे करें, ये सारा उधर से शुरू होता है, ये आप इधर से जाएं, शार्मी जाएं आप, ये बीमार लोग इधर होते हैं, शहर है ये दुकानें आपको आगे नजर आ रही, पीछे रहायशी है सारी, ऐसे ही है सर, रहायश है सारी, इधर से आप रिक्शे में मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे कहीं जा सकते हैं, मैंने तो सुना है कोई मरीज हो जाए, कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस के अंदर घुस पाती है, लोगों के रिक्शे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे वाला साहब की डेथ हुई है 8 मिनट पहले, उन्होंने डेथ हो गई आपके वाले साहब की, मैं गाड़ी लेके एक घंटा पहले निकला हुआ, 2002 में मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, तब से ये हाल है, उन्होंने कहा 8 मिनट पहले डेथ हो गई है, अब काम तो अलग है, हुक्म तो अलग है, हम ये सबर कर लेते हैं, मगर ये इधर के लोगों का ये हाल है, शालम मार्केट में एक हॉस्पिटल मौजूद है आपका जो सराह बन चुकी है, सर वो तो सराह है, वो तो कब्जा ग्रुप पे बैठे हुए हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है, ये छोड़े ये बातें ना, ये कॉमेडेंट नहीं कर सकते हॉस्पिटल में, वक्ती तौर पे जो हमें जो है ना ये स्टेटमेंट, हालांकि इस हॉस्पिटल का एग्रीमेंट कायदे आजम ने डायरेक्टली किया लंदन में, सर इसकी तारीख है सर, ये रेड क्रॉस, ये उन्हीं का था, ये रेड क्रॉस का था, ये मुझे पता है इसका, मगर ये उस वक्त भी ना इधर वो ट्रीटमेंट थी, ये जच्चा बच्चा और ये जो इंजेक्शन जो टीबी के जो होते हैं ना उसके इंजेक्शन के लिए है, वो भी हॉस्पिटल हमारे पास सामने है, हम नॉश भी बना है, ये चिट्टा हॉस्पिटल बना है, लेकिन चाहते हैं ना ये भी ओपन हो जाए, चाहते हैं ना, चाहते हैं हम, क्या नहीं चाहते, मगर करेगा कौन, ये सब खामोश हो गए हुए हैं, सर दर्द होने लग गया, आपने क्या खुद हुकूमती नुमाइंदे यहाँ बीच में इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो आपकी रसाई नहीं ऊपर तक हमजा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जो जो ट्रांसफॉर्म लगे हैं, हाँ ये अभी आप बात करें कि 2 दिन में मुझे बताया है, बताया मुझे बात सुने, ये उनसे 24 घंटे में एक्शन SDO हमारे पास बैठा है, हाँ जी रात सारी बैठ के उसने ये काम हो गया, मैं बाकी काम के लिए बात कर रहा हूं, सर मैं उधर ये पहले एक बात हूं ना कि उन्होंने उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे ऊपर, वो हमने सबुतुल्लाह साहब को बताया, वो मियां साहब से उन्होंने बात की, सबुतुल्लाह साहब कौन है, ये मियां हमजा साहब के सेक्रेटरी हैं, ठीक है सबका CM के, जी जी ठीक ठीक है उनके सेक्रेटरी हैं, ये हल्का भी मियां हमजा साहब के हैं, बिल्कुल ऐसे ही है MN ने, ठीक बिल्कुल जी ऐसे ही है, अब ये है ना कि उन्होंने जो जो इनको सामान चाहिए उन्होंने प्रोवाइड किया, केबल कोयल ट्रांसफार्म, और 2 दिन इन्होंने अपना अमला जो आपकी बात है ना वो भी करनी चाहिए, सर क्या करें कि 2 दिन इन्होंने अपना इधर से लेबर नहीं हटाई, कहाँ कहाँ से लोग बुला के हमारे 2 दिन में, देखिए ये काम, ये उन्होंने काम किया, आसान नहीं किया आपके ऊपर सर, ये है काम, ये पहले भी हमें लगता नहीं ना काम, हम कह रहे हैं ये अजूबा हुआ है, मगर ये इनको तो करना चाहिए रूटीन मैटर में, हाँ जी ऐसे हो तो हम ये इसको अजूबा नहीं समझे, ये उनकी रूटीन, साहब की रूटीन है दुकान खोलना कारोबार करना, ये उनकी रूटीन है, मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो अजूबा है ना, हाँ जी केक ट्रांसफॉर्मर वैसे खराब हो गया तो 3 दिन ठीक हुआ, हाँ जी तो ये जल गया खत्म हो गया, खंबे लाते हैं नए खंबे, रात को खंबे लाते हैं नए खंबे रात को लगे हैं, अच्छा सुबह ट्रांसफॉर्मर रखे गए, ठीक है मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए अजूबा है, जो फौरी होना चाहिए जो बाहर के मुल्कों में, हाँ जी फौरन काम हो जाए, अब आ गई बात ट्रैफिक की,
इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक इंक्रोचमेंट की वजह से इंक्रोचमेंट जो है ना ये हमारे महकमे की नाहली है। किस महकमे की? ये जो हमारा टोन है। कौन सा टाउन? रवि टोन। रवि टाउन, रवि टोन को भी तो एक टाउन हेड करता है ना सर, वो तो सब कुछ करता है ना। एमसीएल वही है ना इधर, ठीक है एमसीएल है ये। हाँ जी, मगर ये एक बार आते हैं ट्रक लेके नुकसान कर जाते हैं, फिर दो महीने तीन महीने वो इधर देखते नहीं है। वो भी एक, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। ले ले सर नाम, अगर नाम लेने बात खुल के नहीं तो करें फिर। सुने बात सुने, ये देखे वो तो फिर मतलब ऐसे हम लोग डर गए हैं मुजुल विकास सर। नहीं नहीं नहीं, डरने वाली देखे मेरी बात सुने। मैं तो ये समझूंगा हमारे दिल में वो डरने वाली खौफ नहीं है। तो खुल के बताएं सर, ईमानदार होते हैं ना ये सब, ईमानदार बैठे डरने वाले नहीं है। कहते हैं जुल्म देख के भी जुल्म पे ना ना बोलना भी जुल्म करना होता है। बोलो। अच्छा बात ये, हम दिखावा नहीं करते। हाँ जी, हम काम करते हैं जो करने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, ये हमें हमने काम लेना है। असल बात ये है कि हम लोगों के काम है ये। हाँ जी, इधर ये इंक्रोचमेंट की बात हो रही थी कि दुकानदार खुद इंक्रोचमेंट करवाते हैं यहाँ पर। नहीं, दुकानदार एमसीएल वाले कहते हैं, ये टाउन वाले कहते हैं। नहीं, वो भी नहीं कहते। सिर्फ ये है कि वो रूटीन से रहे, डेली है रूटीन में वो करके चले जाए, ना उनकी जरूरत हो भाई लाने की, ना वो कुछ कर सके। जुर्माना कर देते हैं पर्ची, पांच पांच छह छह हजार रुपया उनका वो लगा। चले शुक्र करें आपको पर्चियां देते हैं, कहीं जगह तो पर्चियां देकर नहीं जाते, कहते आप 5,000 दो 2,000 दो तो समान छोड़ देंगे। शुक्र करो पर्चियां मिल रही है। सर नहीं, वो समान ही इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है कि हम करवा लेते हैं। हाँ जी, वो काम मैं कह रहा हूँ, वो बात बताएं। हाँ जी, इतने नहाते तो नहीं है, इतने अपाहिज नहीं हम। हाँ जी, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है, हम सारा कुछ कर सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम का वक्त एंड हो गया है, तो मैं चाहूंगा आपका अपील है या मुतालबा है वो आप कर दें अपने समान बातों को। मुतालबा हमारा ये है। हाँ जी, के लेस्को वाले अपना इसको इसके ऊपर निगाह रखें जी। दो ट्रांसफार्मर हमारे 400 kV के एक्सियन साहब हमारे पास एग्रीमेंट करके लिख के भी गए हैं कि ये 50 दिन के अंदर हमने दो 400 kV के ट्रांसफार्मर इधर लगाने हैं। ठीक हो, कितने दिन को हमारा लोड 50 दिन का उन्होंने एग्रीमेंट किया है। अब 50 दिन, अब 5 दिन हो गए हैं, 45 दिन बाद बाकी रह रहे हैं। मैं फिर आऊंगा 45 दिन बाद, 45 दिन बाद आएंगे, मुलाकात होगी, डन होगा सर, बताएंगे हम। पूछ दिले फोन कर देना, हम डरते नहीं है। ये आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैंने इंटरव्यू नहीं देखा जो मैंने सर, मैंने कर लिया, मैंने देखना किया उसमें जो हमारी सीटिंग हुई है उनके साथ। हाँ जी, आपने वो मेरी लैंग्वेज नहीं सुनी जी। जी, वो आपको भेज दूंगा, आपने भेजिएगा, आप देखिएगा। आखिरी मुताबिक अपील कर रहे थे कि प्रोग्राम का लैंग्वेज आपको बताऊंगा मेरी लैंग्वेज क्या होती है अकेले में लोगों के सामने, मैं ऐसे नहीं करता। अब हम करेंगे, किसी की इज्जत मजरूर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बात ये है, किसी की इज्जत मजरूर नहीं करनी चाहिए। हम खुद मैं आपसे अकेले में कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मुझे तमाशे में क्या जरूरत है किसी आपकी इज्जत खराब करने। बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला भी देख रहा है। आखिर पैगाम क्या? आखिर पैगाम एक तो ये हमारा जो ट्रैफिक का मामला है, हाँ, मुतालबा है, और बहुत ज्यादा है उसी की। अच्छा, उसकी वजह से हमारी जो फायर ब्रिगेड नहीं तक पहुँच सकी। हाँ जी, लेस्को वाले नहीं अपनी क्रेन लेके पहुँच सके। ये सिर्फ ट्रैफिक की वजह से, ठीक है, और इंक्रोचमेंट की वजह से। इंक्रोचमेंट तो भजन वो तो है, वो तो होगी बात, ट्रैफिक इंक्रोचमेंट, ठीक है। आप क्या किया रहे? अगर आप बात सुने, आपने दोबारा आना ना, मैं आऊंगा सर, इंशाल्लाह आऊंगा। हमें ये चाहिए कि ये वार्डन का जो मामला है, इधर वार्डन दो हमें चाहिए, एक पानी वाले तालाब पे, ये हाँ जी, एक इधर चाहिए। हाँ जी, अगर आप ये कर सकते हैं। मैं नहीं करना, इन्होंने करना है, सीटीओ ने करना है। सर मैं कह रहा हूँ, देखिए हम तो चला देंगे ना, तो आपके आगे इल्तिजा कर रहे हैं ना सर, मेरे जरिए इल्तिजा जा रही है ना सर। हमने बार बार इनसे मीटिंग की है, मैं ट्रैफिक बॉर्डर मैं ट्रैफिक बॉर्डर को नहीं हुक्म दे सकता। आप ये इसमें बता सकते हैं, आप बताएंगे, मैंने बता दिया, आप बताएंगे, बताएं आप। ये मैं बता रहा हूँ, सीटीओ साहब को बताएं। ये देखिए, ये एक आपकी जिम्मेदारी है सीटीओ साहब। ये शालम जो है गढ़ बना हुआ है, एक दुकान है, दुकान के आगे बिल्कुल गाड़ी है, गाड़ी आगे एड़ी है, उसका पिकअप लगी हुई है। ये हमारे रास्ते खुले हैं, ये इसको ट्रैफिक जो गाड़ी है, डी पॉइंट बना हुआ है, सर्कल रोड सारा बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? गाड़ियों के लिए। ये डी पॉइंट बना है, उधर गाड़ी खड़ी करनी है आपने। ये आप अमल दरामद कराएं, आपकी नाहली है, मैं आपको बता दूं। ये आप नहीं कर सकते, तभी ये सारे क्रोचमेंट, ये दुकानदार को सबको परेशानी है। खुदारा ये रिजक है लोगों का लगा हुआ, ये इधर कोई बाहर से गाहक नहीं आ रहा हमारे बाजार में, गाड़ी लेके आते ही नहीं है इधर कोई। वो कहते हैं कि जाएंगे जाके फंस जाएंगे, ये सारा क्लियर करे, हमारे सड़कें तंग नहीं है, खुली सड़कें हमारी। ये शालम आपको क्लियर करे, इधर का हमारा कोई मामला नहीं है, बेहतर हो गया। आपके साथ खड़े होंगे, आपको शिकायत नहीं करेगा इसको, जिसका बड़ी चलान कर दे, ठीक हो गया सर। 45 दिन बाद इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, 45 दिन बाद हम फिर आएंगे। और एक बात और है, हाँ जी कर दें, लेस्को की तरफ ये जो मैं बात बताना चाहता हूं, ये
बाजार में हमारे जो सानिया हुए जी जी, ये सानिया आगे भी ऐसी काम है ठीक है, तारे सामारी हमारी नंगी है ठीक है, पटाखे चलते हैं जब बारिश होती है ठीक है, ब्लास्ट होते रहते हैं नीचे, को खुदा ना खासा मामला बन गया। ये मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ, इसको लेस्को वाले इसको और करें, मेरे से रब्ता करें, मेरे से रब्ते में है, काम कर रहे हैं ये सब। उसके बाद सानिया के बाद गुडविल है, बहुत अच्छा काम किया ना, चल ठीक हो गया। इसके बाद बहुत अच्छा बस काम, अगला काम भी करते हैं वो। अब खैबर ब्लॉक है, हाँ जी, उधर गाड़ी नहीं जानी, हाँ जी, फायर ब्रिगेड, हाँ जी, और पटाखे चल रहे हैं अंदर, आग लग रही है। ओए अल्लाह ना करे, अगर ऐसा हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। खैबर ब्लॉक में उसका प्रेजेंट भी हूँ। अच्छा ठीक है, रोजाना ये हो रहा है, तो इसको प्लीज, ये मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ कि अब ये लेस्को वाले हजरात बाद में ये ना कहें, ये रिकॉर्ड में हमें भी देना, रिकॉर्ड में आ गया, रिकॉर्ड में आ गया कि ये देखें, बाद में ना ये कि ये हमें काम हम बताएंगे क्या। कनाड़ी बाजार का मामला था, वो ट्रांसफर मारा लग गया है, मगर उसकी जो है ना केबले पड़ गई है, केबले 400 केवी का लगना है, वो लगना है 400 अभी, क्यों केबले पड़ गई है, केबल ये हमारे साथ उन्होंने बहुत तावन किया है सर। बाकी बातें सारी 45 दिन बाद होगी। बहुत शुक्रिया नाजिन, मैं मौजूद था जी, बड़ी मेहरबानी है सर। वाली सलाम, वाली सलाम। देखिए जी, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी, लेकिन चूंकि यहाँ पे अहदेदारान सारे मौजूद थे, बैठे हैं अभी भी, सब मौजूद हैं, शिकायतें बिल्कुल अपनी जगह पर हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हैं। वो फिर बल्दिया उस्मा हो, वो लेस्को हो, या वो ट्रैफिक के मसाइल हो, या LWMC के मसाइल हो, तमाम मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। और वो मार्केट जो अरसा दराज सालों से चल रही है, इस वक्त उसके मामला ठीक नहीं किए जा रहे, हुकूमत सबको जानती है, उसके बावजूद जो सारी बातें वो सारी बातें इन्होंने कर दी, मैं उन दोनों की कहना है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है, अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।